हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज पार्ट नंबर थ्री ऑफ द टॉपिक चेक जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चेक का मतलब क्या होता है और चेक के टाइप्स क्या होता है उसका पार्ट नंबर टू हेज ऑलरेडी बीन रिलीज द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये वीडियो का पार्ट नंबर थ्री है सो लेट स्टार्ट फर्स्ट टाइप ऑफ चेक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट डेटेड चेक If a a drawer wants to, pay to apply for withdrawal or or transfer of money after the present date, then he or she can can fill check. तो उस तरह के चेक को कहा जाता है post-dated check. For example, जिस दिन drawer चेक बना रहा है वो डेट है मे अट्ठारह दो हजार अठारह सॉरी मे दस दो हजार अट्ठारह लेकिन वो चाहता है कि इसका पेमेंट बाद में हो तो इस तरह से और इस तरह के चेक को हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक जो कि आप पहले ही बना लेते हैं लेकिन पेमेंट आप बाद में चाहते हैं नेक्स्ट इज एन डेटेड चेक एन डेटेड चेक क्या होता है इफ द ड्रॉर मैं डेट प्रायर टू द करेंट डेट ऑन द चेक इट इज नोन एज एन डेटेड चेक इसमें प्रेजेंट डेट के पहले की डेट लिखी होती है जैसे कि आज 8 नवंबर 2018 है और ड्रॉर ने चेक पर लिख दिया 1 नवंबर इस केस में इस तरह के चेक को कहा जाता है एंड डेटेड चेक नेक्स्ट इज सेल्फ चेक इफ द ड्रॉर विशिस्ट कैश फॉर हिमसेल्फ ही कैन इश्यू वेयर इन प्लेस ऑफ नेम वो सेल्फ लिखेगा ये भी एक बहुत कॉमन चेक है अगर हम चेक में जाकर किसी और को पैसे नहीं देना हमें खुद ही पैसे चाहिए तो हम अपने चेक पे क्या लिखेंगे सेल्फ और फिर अमाउंट लिखेंगे वर्ड्स में फिर अमाउंट लिखेंगे नंबर्स में साइन कर देंगे इस तरह के चेक को कहा जाता है सेल्फ चेक ये हम इनकैश करा सकते हैं बैंक ब्रांच में जाकर जहां पर हमारा खुद का अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को बीस हजार रुपए चाहिए कैश में वो चेक में क्या भरेगा चेक में भरेगा सेल्फ मतलब मुझे खुद ही चाहिए जिसका अकाउंट है और यहाँ पर साइन कर देगा और इस चेक को लेके बैंक जाएगा बैंक से वो तुरंत उसको इन कैश करवा सकता है देन कम्स ट्रावलर्स चेक ट्रैवलर्स चेक से आप नाम से इसको समझ सकते हैं ट्रैवलर ये उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल करते हैं अब्रॉड इट कैन बी यूज वेन अ पर्सन इज ट्रैवलिंग अब्रॉड जहां पर इंडियन करेंसी इज नॉट एन यूज किसी विदेश में जहां पर इंडियन करेंसी नहीं चलती उस केस में अगर हमें पेमेंट करनी है तो हमारे पास ट्रैवलर चेक होता है वो इंसान जो विदेश जा रहा है वो ट्रैवलर चेक कैरी कर सकता है और उसको इनकैश करा सकता है जाकर किसी और उसी देश में किसी भी बैंक में जाकर तो इंडियन करेंसी से आपस में इंटर कनेक्टिविटी के थ्रू इन कैश हो जाएगा उस तरह के चेक को कहते हैं हम ट्रेवल चेक देन कम्स म्यूटिलेटेड चेक देखिए म्यूटिलेटेड चेक होता है फटा हुआ चेक जो कि टॉन कंडीशन में बैंक पहुंचता है उसे हम कहते हैं म्यूटिलेटेड चेक अगर चेक कहीं इधर उधर से मुड़ा है या वहां से अगर कहीं मुड़ा हुआ है या फिर फटा हुआ हल्का सा तो वो देखा जाएगा मुड़ा आप जैसे ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा लेकिन अगर कहीं से मुड़ा है तो आप जो भी चेक है तो उसका कंडीशंस देखी जाती है एक बार वैलिडेट किया जाता है इसके बाद वो चेक एक्सेप्ट होता है अदरवाइज वो चेक बोल दिया जाता है दैट दिस इज इज अ अ चेक ये टॉन कंडीशन कंडीशन में में है फटी हुई आया इट इज एन अनएक्सेप्टेबल चेक देन कम्स ब्लैंक चेक आपने देखा होगा ना कि ब्लैंक चेक में सिर्फ साइन होता है हम ब्लैंक चेक में केवल साइन करके अगर दे दें और बाकी सारी चीजें छोड़ दें डेट दे, कितने पैसे निकालने हैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ दें सच काइंड ऑफ चेक इज नोन एज ब्लैंक चेक वेन अ चेक ओनली हैज अ सिग्नेचर सिर्फ सिग्नेचर करके छोड़ दिया गया और बाकी सारे पर्टिकुलर जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये खाली पड़ा है ये खाली पड़ा इवन ये भी खाली पड़ा होगा तो उसको हम कहते हैं कि ये एक ब्लैंक चेक है इट इज सिंपली अ ब्लैंक चेक सो दिस इज इट फॉर टुडे आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अबाउट अ चेक समझ में आ गया होगा सारे टाइप समझ में आ गए होंगे अगर आपने सारे पार्ट्स देखे हैं वीडियो के ऑल द पार्ट ऑफ द वीडियो आर गिवन इन द लिंक आप जाकर देख सकते हैं थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नेक्स्ट डे